नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई हम सब अच्छे होंगे। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। सुबह का नहाना धोना साफ सफाई हो चुकी है और नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता में आज कुछ स्पेशल नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है कि चल रहा है मेरे यहाँ काम। तो आज थोड़ा सा काम जो है वो पूरा फाइनल तो नहीं कहूँगी, पर आज कुछ हद तक आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सो गाइस, चलिए नाश्ता के लिए आप लोग, और चाय भी बनानी है सब लोगों के लिए। सो दोस्तों, ये चाय मैंने रख दिया और इधर रख दिया मैंने दूध। तो सुबह का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो खाना पीना सब ऐसे ही अभी आगे पीछे, क्योंकि काम नीचे देखने चली जाती हूँ तो मैं सुबह सुबह जल्दी जो जितना हो जाता है काम तो उतना कर लेती हूँ। और मंदिर आपको दिखा रही हूँ तो आप समझ गए होंगे कि मंदिर दिखाने का क्या रीजन है। बिल्कुल सही। तो ये मंदिर जो है वो खाली हो गया है और अब मंदिर जो है बनवाने के लिए दे दिया है। तो दोस्तों, दोपहर के खाने की हो गई तैयारी और आज सारा दिन नीचे ही बैठ के, और ये काम जो है वो आज फाइनल पे चल रहा है तो इसलिए वहाँ पे ही बैठ के थोड़ा सा काम करा रही थी। और अभी बीच में डिमांड आ गई और आज सब्जी से रोटी नहीं खानी है, चाय के साथ हमको पराठे खाने हैं। तो नमक वाले पराठे बना रही हूँ मैं। और आज घर का भी ना मोटी मोटी सफाई कर दी थी, सारे घर का जो डस्टिंग वगैरह तो अभी वैसे ही नहीं हो पा रही है। नीचे के पोर्शन की बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि चारों तरफ लकड़ी का और उसका बुरादा वगैरह जो है फैला होता है, सामान रखा हुआ है चारों तरफ फैला होता है ना, तो ये नहीं समझ में आता क्या। और कच्चा काम किया हुआ रखा है उसको हटा के भी नहीं सफाई कर पा रही हूँ। तो पूरे घर में अभी क्या, किसी भी कल भी इसी चक्कर में मेरा वीडियो भी नहीं बना पाई मैं आप लोगों के, क्योंकि ना समझ ही नहीं आ रहा है किधर से काम चारों तरफ फैला पसरा पड़ा है। और एक बार क्या होती है, जब हम कोई काम कराते हैं ना, जब फाइनल पे काम होता है उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है आपका वहाँ पे बैठ के देखना करना, क्योंकि उस टाइम पे जो चीजें ना वो चेंज हो जाती हैं और उनको उसी टाइम पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि फिर बन जाती हैं चीजें। तो इस वजह से आज मैं अभी बैठी हूँ और अभी यहाँ पे आई हूँ क्योंकि बार चाय पाय भी बनानी होती है उन लोगों के लिए। अभी चार पाँच दिन बहुत व्यस्त था मुझे लग रहा है। और थोड़ा सा जो भैया है यार, उनका भी मुझे भी सरप्राइज मिल गया आप लोगों को देते देते, क्योंकि थोड़ा सा काम है वो दो तीन दिन बाद होगा। तो जितना आज हो जाएगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बाकी फाइनल जो है वो फिर जब करेंगे तभी दिखाऊंगी। कुछ काम ऐसे होते हैं कि फिर मैं पता, कोई भी काम कराते हैं जैसे हम, जिससे हमने काम कराया हमें पता होता है कि नए लोगों को ट्राई नहीं करते, तो इस वजह से मैं उनका वेट करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम उन्हीं से कराऊंगी जो रह गया। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए आके और मिलते हैं फिर शाम को, खाना खिला। तो ये जो है काम चल रहा है नीचे, और काम थोड़ा सा बारीकी वाला काम होता है ना, ड्रॉयर वगैरह बनने होते हैं। और मंदिर में किस तरह से पूरा मंदिर तैयार करवा रही हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने जो माइका है वो व्हाइट कलर की डिसाइड की है और इसमें लगवा रही हूँ मैं ये जो विदाउट हैंडल के प्रोफाइल जो होती है ना, प्रोफाइल का बनवा रही हूँ मैं। तो बन के जब पूरा तैयार होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मतलब ड्रॉयर वगैरह ये सब बन रहे थे काफी दिन से, छोटा काम होता है। अब ये मंदिर चेक करने के लिए लाए हैं ऊपर, उसको तो लगा के देख रहे हैं। इसमें ये मैंने थोड़ी सी स्टेप जो है ना, स्टेयर्स जैसे बनवा दिए हैं जिससे कि इसमें ऊपर माता रानी को भी मैं ऊपर बिठा सकूं। तो किस तरह से फिर मैं मंदिर प्रिपेयर करूंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी इतने दिनों में ये चीज ही बताने वाली थी। तो अभी मंदिर में भी ना काफी चीजें हैं जो कि मैं आपको एक वीडियो स्पेशल मंदिर का बनाऊंगी जिसमें मैं बारीकी से सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो आप लोगों को मोटा मोटा मैंने बता दिया है। तो इसको मैं सफाई कर रही हूँ। तो ये जब फाइनल हो गया, मतलब फाइनल नहीं अभी इसमें काम रहता है पर जितना हो गया है, तो इसको तारपीन का जो ऑयल होता है उससे इसकी सारी सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज मंदिर पूरा खाली कर दिया था। माता रानी भी अंदर है, सारा सामान अंदर है। तो अभी एक बार को मैं इस पे ना सारा सामान रख के देखूंगी और उसके बाद जब मैं पूरा तैयार करूंगी इसको, फिर उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको सेटिंग करना है, तो वो चीज ना दोबारा से करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन एक बार को, क्योंकि सारा जो है मेजरमेंट वगैरह जो भी लेना है, सामान को जैसे रखना है, तो एक बार में सेटिंग नहीं बनती है, उसको पूरा प्रॉपर रख के ही देखना पड़ेगा क्योंकि मंदिर में काफी फोटो भी हैं, भगवान जी हैं। तो अब मैं नई नई लाती हूँ लेकिन जो पुरानी पहले की हैं तो उनको भी नहीं निकालती हूँ क्योंकि मन नहीं मानता है। तो अभी जो
जितनी है उन्हीं की सेटिंग करनी है, क्योंकि हाइट थोड़ी मैंने मंदिर की ऊंची ले ली है तकरीबन। मैंने ना इसकी हाइट ली है 2 फिट, और पहले का था 1.5 फिट का, तो आधा फिट का और ऊपर फर्क आ गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें मैंने ड्रॉयर वगैरह भी बनवाए हैं सामान रखने के लिए, क्योंकि मुझे जो माता रानी की पोशाक वगैरह है ना वो अलग अलग रखनी पड़ती थी सामान। और इसमें मैंने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा जो है डलवाई है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो मंदिर है ना, ये देखो अभी मैं इसको एक रफली मतलब रख के देख रही हूँ, प्रॉपर मंदिर की तरह ही इसको मैंने पूरा सामान लगा के तैयार कर रही हूँ। तो मुझे पूजा भी शाम को करनी है, पूजा भी हो जाएगी और सारा सामान जो है वो लगा के देख लेंगे, क्योंकि आधा फुट हाइट ऊपर हो गई है और पूरा ही मंदिर बिल्कुल लुक चेंज हो गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मुझे जो फोटो वगैरह है ना उनको भी एडजस्ट करने में थोड़ा सा आएगा कि कौन सी फोटो कहाँ लगेगी, तो वही लगा के देख रहे हैं। और जहां पे लगी थी उस तरह से नहीं लग पाएंगी, क्योंकि थोड़ा हाइट का इशू हो गया है। तो अब इस वजह से मैंने इनको ना अभी रख के इसीलिए देखा है कि जब ये पूरा एग्जैक्ट हमें पता लग जाएगा कि किस फोटो को मैं कहाँ लगा सकती हूँ। तो ये मैंने ना जो रेड कपड़ा था पहले वाला वही बिछा दिया है, पूरा कपड़ा आगे आधा फोल्ड हो गया है, क्योंकि इसमें स्टेज मैंने बना दिए हैं उसपे भी है। तो ये इसमें जो है अभी लगा के उन्होंने दिखा दिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नीचे रेडी नहीं है, मतलब अभी समझ लो इसमें आधा काम और रहता है, कल कल का दिन और लग जाएगा। अभी रख के देखा है तो इस तरह से फोटो वगैरह देखी है, तो चेंज करने का थोड़ा सा इसमें है अभी। और जो साइड से स्पेस वगैरह है वो भी है कुछ, मैंने इसमें एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह रखने के लिए और क्या क्या पार्टीशन लगवाए हैं, क्या करवाया है वो बारीकी से मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इनको मैं खोल नहीं सकती हूँ, इनकी पैकिंग दी हुई है, उन्होंने टेपिंग की हुई है। तो सिर्फ मैंने यही था पर्पली मैं इसको लगा के देख लूँ, और अभी मुझे कुछ इसमें चेंजेस कराने हुए, तो ये कल थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो सकता है। तो क्योंकि ये मेरे पास फोटो वगैरह है ना, छोटी भी है बड़ी भी है सारे साइज की है, और काफी पुरानी है, मतलब 15-20 साल पुरानी ये मेरे पास जो है फोटो है। तो ये चीजें चेंज तो होती नहीं है, जब बिल्कुल खराब हो जाती है तब उनको जल प्रवाह करना होता है, लेकिन अभी कब 5-7 साल से तो मैंने ये कर लिया, मैं जगह जगह कहीं भी जाती हूँ तो मैं वहां से फोटो वगैरह नहीं लेके आती हूँ, तो मेरे पास पुरानी जो है पहले की है वही चली आ रही है। बस मैंने माता रानी को जो है वो बिठा रहा है, उनका उनका बड़ा रूप लिया है, क्योंकि मेरे काफी मन से था कि मैं बड़ा रखूं। लोग कहते भी हैं कि बड़ी रखते नहीं है, लेकिन मैंने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है। और बाकी अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है और आपके मन से वो चीज है तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं और सब ठीक होता है। तो मुझे करीब ये 1 साल से ऊपर हो गया है मैंने उनको कराया, यहाँ पे विराजित किया हुआ है ना। तो अभी फोटो अभी थोड़ा सा एक आगे पीछे हो रही है, ये अभी फाइनल नहीं है, पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि इस तरह से मैंने इसको तैयार कराया है, क्योंकि काफी 3-4 दिन से ये चल रहा था कि क्या बन रहा है क्या। और मंदिर के साथ साथ एक चीज और भी है, वो जब बनेगी तो वो भी दिखाऊंगी आपको, उसमें भी अभी टाइम लग जाएगा। तो आज तो मंदिर का ही दिखाया है ना, और अगर आप लोगों को कुछ इसमें चेंजेस लग रहा हो तो अभी नीचे जो गैप वगैरह दिया है उसकी भी फिनिशिंग देनी है, थोड़ा ऊंचा भी हो गया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है लुक वाइज, हाँ ना, क्योंकि मंदिर का सामान ना काफी ज्यादा हो जाता है, छोटा 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 सामान बहुत हो जाता है, आप लोगों के पास भी आई। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम फेस्टिवल पे ही यूज करते हैं है ना, लेकिन रखी होती है फिर इधर उधर कहीं रख देते हैं, ढूंढने में दिक्कत आती है। तो मेरा अबकी बार पर्पज यही था कि मैं ऐसा इस टाइप के स्टोरेज बनवाऊं कि जो मुझे फेस्टिवल पे चीजें चाहिए उनको भी मैं एक बॉक्स में करके, तो पूरा मंदिर में किस तरह से ऑर्गेनाइज करूंगी उसका मैं पूरा वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैंने ये बना दिया और एक चीज और बनने जा रही है उसको भी मैं दिखाऊंगी बाद में। तो आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लगा है वो भी बताइएगा। और व्हाइट माइका मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि व्हाइट माइका का जो एक तो मंदिर में वैसे ही थोड़ा अच्छा लगता है, और मैंने जो दूसरा एक और चीज तैयार करवाई है उसमें भी मैंने व्हाइट माइका ही लगवाई है, क्योंकि मेरे किचन में जो है व्हाइट माइका लगी हुई है, तो 3 साल करीब होने जा रहे हैं किचन को मुझे करते हुए। इसमें पता है कि माइका भी मैंने 2 तरह की लगवाई है, जो अंदर ड्रॉयर है ना उसमें जो सिंपल वाली माइका है वो लगवाई है, और हाई ग्लॉसी माइका जो ऊपर है व्हाइट वो लगवाई है। तो दोनों में अलग अलग, क्योंकि रेट का काफी फर्क पड़ जाता है, तो आपको अगर इंटरनल अंदर चीजें लगवानी है तो आप थोड़ा रेंज में किफायती रेंज में भी लगवा सकते हो, जिससे हमारा बजट जो है वो थोड़ा हमें सही पड़ जाता है। और जो ग्लॉसी है सफाई वगैरह करनी होती है वो मैंने पूरा इस पे
लगवाया है। अच्छा, छोटा मेरे पास एक व्हाइट टाइल्स का टुकड़ा भी रखा है, तो उसको मैंने थाली के नीचे जो है वो व्हाइट जो टाइल्स का है टुकड़ा वो भी रख दिया है, वो भी उससे बिल्कुल ना फर्नीचर से मैच कर रहा है। तो मुझे आज मतलब अपने मंदिर को देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब मतलब ये लग रहा है कि इतना प्यारा सा, क्योंकि एकदम जब कोई चीज हम बनवाते हैं ना तो चेंज होता है तो कुछ अच्छा लगता ही है। और अभी शाम को इनको पाठ करना था तो इस वजह से मैंने ये सामान सारा लगा दिया है, और कल इनको फिर हटा के दोबारा से इसकी सेटिंग होगी तो तब आप लोगों को फिर मैं दिखाऊंगी इसका जो फाइनल लुक है उसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। और आप मेरे जो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्किप कर करके तो मत देखा कीजिए, पूरा वीडियो तो देखो कम कम से कम, अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो तो ये जो है थोड़ा सा मंदिर का मैंने काम करवाया, अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, अभी काम रहता है इसमें, तो मंदिर का जो सामान है वो लगा के देख रही थी, और फिर कहाँ कैसे फोटो लगानी है, कीलर वगैरह लगानी है, तो वो फिर बाकी का काम कर लूंगा। पर आप लोगों को ये इतना मैंने अभी बना के दिखा दिया है, तो ये भी अभी ओपन नहीं होंगे, बाकी का मैं आपको कल फाइनल जो है वो जब हो जाएगा तब दिखाऊंगी। और क्योंकि अभी इसमें टेपिंग वगैरह की हुई है और प्रॉपर सामान तरीके से जो लगेगा वो फिर कल लगाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा रहता, रात हो गई, अभी भी काम नीचे चल रहा है, लेकिन सामान रख के देखना था मंदिर का, तो इस वजह से इसको यहाँ पे अभी सेट करवा के देख लिया है, अभी पैकिंग वगैरह देनी है। सो गाइज, ये जो है ब्लॉग यहाँ पे मैं एंड करने वाली हूँ। और आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि मेरा जो फेसबुक पर पेज है आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं ना, वो मत देखो, पूरा वीडियो देखा करो। सो गाइज, थैंक यू।